प्रभात मधुबनी नरसंहार की, जिस पर राजनीति चरम पर है। इन दिनों यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बना हुआ है। विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी सूबे की मुखिया को इतनी देर से क्यों मिली। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस कांड के इतने दिनों बीत जाने के बावजूद सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी अभी तक पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की होती तो लोगों के बीच जातीय नरसंहार जैसी बातें नहीं की जा रही होती। मधुबनी के महमदपुर में इतने बड़े नरसंहार होने के बाद आज तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी घटना स्थल का दौरा न कर और मात्र अपने कुछ जात विशेष के विधायकों को भेजकर इसे जातीय रंग देने की। देवघर के मधुपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह इन दिनों ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी विधायक रणधीर सिंह सहित कई बड़े नेता भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर विकास के नाम पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन भी 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक क्षेत्र में लगातार कैंप करने वाले हैं। वे जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी के साथ समर्थन में प्रचार करेंगे। जनता काफी खुश है और जनता काफी अपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाएगी यहाँ से। मेरे ख्याल से लगता है मुख्यमंत्री जी को यहाँ कैंप नहीं करना चाहिए था। किस काम से वो यहाँ कैंप करेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। जब आपने कुछ बोले और फुलफिल नहीं कर पाए, कैंप करने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर भी चलिए। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उम्र घटाने की मांग पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि याचिका प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने दायर की थी।